राजकुमार जी, ये बताइए, आप प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए क्या करेंगे, कैसे उसको ठीक करेंगे? प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए मुझे प्रदेश की जिम्मेवारी मिलेगी तो मैं बहुत कुछ करूंगा प्रदेश मान लीजिए आप के। मुख्यमंत्री बन गए तो क्या करेंगे? मैं अगर मुख्यमंत्री बन गया तो मेरे ख्याल से उसके बाद ही बता सकता हूँ, करूंगा जो वही बताऊंगा। नहीं, हम आप तो मान रहे हैं, मुख्यमंत्री, ये लेकिन संभव मेरे ख्याल आइडिया से। तो होगा कोई माइंड में सर। हम ये मान रहे हैं अगर आप मुख्यमंत्री होंगे तो क्या करेंगे? इसके लिए तो लंबा समय चाहिए सोचने के लिए, क्योंकि अगर मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व तो मिलता है तो जो सिस्टम जो हमारा चलिए आप सरकारी मशीनरी एमएलए, है, बोले नहीं, चलो आप बोले कानून नहीं। व्यवस्था चंद्र जी बोले जो बोले नहीं, बोले सरकारी नहीं, मशीनरी बोले हमारी जो कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवार जो है पुलिस को माना जाता है कानून व्यवस्था के लिए, लेकिन इसके लिए जनता भी जिम्मेवार है। जी। कोई भी अपराध होता है, कोई भी अपराध कोई ऐसे ही तो हो नहीं जाता, उसको पहले ही उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जाए ताकि होने के बाद ना ऐसी कोई समस्या हो। जैसे कोई ऐसी तो व्यवस्था है नहीं कि भाई हमारे प्रदेश में आईबी या इंटेलिजेंस की जो सुविधाएं जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए ताकि कोई अपराध ना हो, जी उससे पहले ही उसको रोका जाए। जी राजकुमार जी, चार सवाल यहाँ पूरे होते हैं। राजकुमार जी रबारी है सुलेख डिडवाड़ा जी की। जी साहब, सुलेख जी तैयार है आप? जी सुलेख जी से पहला सवाल करेंगे कुजन जी। सुलेख जी, युवा आज रोजगार चाहता है और उसके लिए सरकार ने जो कदम उठाए आपको क्या लगता है वो सही है, और अगर सही नहीं है तो आप आगे क्या करना चाहते हैं? सर, मैं युवाओं के रोजगार के लिए चाहता हूँ, किसी भी इलाके के युवाओं के रोजगार के लिए सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे रोजगार के लिए इंडस्ट्री का होना, क्योंकि आज हर युवा हर पढ़ा लिखा इंसान गवर्नमेंट जॉब चाहता है, सरकारी नौकरियां इतनी हैं नहीं, तो उसके लिए हमने अपने युवाओं को ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी, टेक्निकल एजुकेशन, जिससे टेक्निकल एजुकेशन लेने के बाद हमारे युवा हमारे इलाके में अच्छी इंडस्ट्री होगी तो वहाँ पे जाके सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो उसमें जाके अपनी जॉब कर सकता है। जी ये उसके लिए बहुत बड़ा एक रास्ता है, सरकार ने वो साधन उपलब्ध कराने चाहिए, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जिससे अपने युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को प्राइवेट इंडस्ट्री में जाके जॉब मिले और रोजगार मिल सके। सरकार जो कर रही है उद्योग को बढ़ावा देने को, ठीक कर रही है क्या अभी सरकार? उसमें मतलब पारदर्शिता नहीं करती, जैसे स्पेशल एक इलाके में इंडस्ट्री लगा देती है। अब मैं अपने सफीदों जींद की बात करता हूँ, सफीदों के अंदर आज तक एक भी इंडस्ट्री नहीं है, हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जाता है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सारी इंडस्ट्रियाँ वहीं पे है। अगर मेरे को मौका मिलता है तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि अपने इलाके के अंदर स्मॉल स्केल, सूक्ष्म स्केल पे लघु उद्योग और जो बड़े इंडस्ट्री स्केल की जो फैक्ट्रियाँ वो वहाँ पे लेके आऊँगा। ठीक है जी। सर सुलेख जी से दूसरा सवाल करेंगे। दीपक जी, किसान की फसल का मूल्य, समर्थन मूल्य जो सरकार तय करती है, वो आपके हिसाब से किस आधार पर तय होना चाहिए? सर मैं ये मानता हूँ किसान की फसल का जो समर्थन मूल्य है उसकी कॉस्ट का 1.5 गुना यानी कि 2.5 गुना, अगर 100 रुपये उस पर लागत आती है तो 250 रुपये उसकी कीमत होनी चाहिए, क्योंकि आज का दौर इतना महंगाई का दौर है, किसान पिसता जा रहा है, डीजल महंगा है, बिजली की दरें महंगी है, खाद महंगा है, पेस्टिसाइड्स महंगी है, उसके बाद जब वो फसल को कई बार उस पर ना ऐसी समस्या आ जाती है, कोई तूफान आ गया, बारिश आ गई, उसकी फसल खराब हो जाती है, उसके लिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जैसे बीमे की व्यवस्था होनी चाहिए। समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, समर्थन मूल्य के लिए तो मैंने बता दिया जी उसका। तो आपको लगता है कि 1.5 गुना अगर हो जाएगा समर्थन मूल्य तो उसे सब पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सारी महंगाई नहीं भागेगी अगर 100 का 250 कर दिया जाएगा? सर कैसे भागे, जब हर चीज इतनी महंगी है, जब उसमें कॉस्ट कटिंग की बात क्यों नहीं करते कि उसकी खाद की और बीज की कॉस्ट कम की जाए तो पैसा ठीक मिल जाए, या सिर्फ बढ़ाने से काम बन जाएगा? देखो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे खाद की कीमत है, सरकार सब्सिडी देती है खाद पे, अगर बिचौलियों को निकाला जाए बीज से, अगर वो जो सब्सिडी है खाद की पेस्टिसाइड की वो डायरेक्ट किसान को दी जाए। आपका मानना यह है कि उसका 2.5 गुना रेट कर दिया जाए फसल का? नहीं, मैं ये भी मानता हूँ कि अगर वो सब्सिडी की कीमत कम डायरेक्ट उसको दिया जाए, वो फायदा सब्सिडी का किसान को, तो उसकी कॉस्ट कम होगी, तब भी 2.5 गुना होना चाहिए, अपने आप कम होगा, तब भी 2.5 गुना होना चाहिए, कुछ कम होना चाहिए, फिर तो नेचुरल अपने आप कम हो जाएगा। प्रॉफिट कितना होगा ना सर? प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 100 का 250 या 100 का 150 या 200? तो रेशो 1% है, वो तो मतलब आप चाहते हैं कि 150 गुना मतलब उसको परसेंटेज मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलना प्रॉफिट। ठीक है, मैं तीसरे सवाल के लिए दे दीजिए आपसे। अगर
अगर आप विधायक बनते हैं, जो भी विधायक बनते टाइम बहुत सारे ईमानदारी के दावे होते हैं, बहुत ये करेंगे वो करेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करके MLA बनते हैं, खर्चे भी होते हैं। MLA बनने के बाद वो सारे के सारे दावे ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा अक्सर देखा गया है। इस पर आपकी क्या विचार है? सर मैं इस पर तो देखो, जो भी MLA बनता है, बनने से पहले तो बोलता कुछ है, बाद में करता कुछ है, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ। अगर मेरे को मौका मिलता है, मेरे को किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, मेरे पास रहने के लिए घर है, सब कुछ ठीक ठाक है, भगवान ने दो रोटी का साधन बढ़िया दिया है, सिर्फ मैं ईमानदारी से पब्लिक की सेवा करूँगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। MLA क्या करते हैं बनने के बाद, CM के पास जाते हैं, पब्लिक के विकास की बात नहीं करते, अपने विकास की बात करते हैं, तो प्रॉब्लम वहाँ से क्रिएट होती है। जबकि एक विधायक का काम बनता है, उसको ये चाहिए कि CM के पास जाके, सरकार के पास जाके पब्लिक के विकास की बात करें, जिससे पूरे इलाके का विकास होगा, वो मना भी नहीं करेगा उसको। अगर विधायक हमारा ईमानदार है, अगर हमारा प्रशासन ईमानदार, तब होगा जब उसके चुने हुई सरकार ईमानदार होगी। अभी तक लोग ऐसा नहीं करते? नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं इस सिस्टम में। अभी नहीं कर रहे हैं लोग ऐसा? कुछ लोग हैं, कुछ लोग। ये जो ईमानदार विधायक आप बन गए, लेकिन जो चौकड़ी होती है आसपास, जो समर्थक होते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करोगे आप? सर ये चाचा ताई भाया, वो ये जो पूरा जो कहानी होती है, इतना कैलिबर तो उस विधायक के जो पब्लिक ने चुना है, जो बीच में लोगों के बीच में गया, उसमें होना चाहिए जी। उसने सारी व्यवस्थाएं खुद अपने हाथ में रखनी चाहिए। आप अपने आसपास तो चौकड़ी इकट्ठा नहीं होने देंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल मतलब भी नहीं जी, खुद संभालूंगा सारी चीज़ों को। थैंक यू। और चौथा सवाल मलिक साहब। सुलेख जी, आप विधायक चुने जाते हैं और विपक्ष के विधायक हैं, और जिला प्रशासन जैसे DC SP आपके जो है नाम देखी करते हैं, ऐसे में आप विकास कार्य कैसे कर पाएंगे? मलिक साहब, ऐसे में मैं उस पोजीशन में बिल्कुल ईमानदार आदमी हूँ, मैं CM के पास जाऊँगा, जो हल्के की समस्याएं हैं, जो जेन्युइन समस्याएं हैं, कॉमन सब की समस्याएं हैं, उनको लेके जब मैं CM के पास जाऊँगा, मैं वहाँ जाके अपने विकास की बात नहीं करूँगा, हल्के के विकास की बात करूँगा। CM पूरे प्रदेश का होता है, किसी इलाके का नहीं होता, तो उसके सामने उनकी समस्या रखूँगा, भाई मेरे इलाके की ये समस्याएं हैं, ये शिक्षा की समस्या है, किसानों की समस्या है, या स्वास्थ्य की समस्या है, इसको आप पूरा करो। CM से मिलूँगा, कंसर्न जो मंत्री है उससे मिलूँगा, नीचे से शुरू करूँगा, मैं ब्लॉक लेवल पर जाऊँगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकारी बैठे हैं, स्टेट लेवल पर अधिकारी बैठे हैं, वहाँ बात नहीं बनती है तो विधानसभा में अपनी बात उठाऊँगा, बड़ा पूरा सिस्टम है उसके लिए। और कहीं भी सुनवाई नहीं होती तो? सर उसके लिए फिर मैं पब्लिक के बीच में जाऊंगा, पब्लिक के बीच में जाके बोलूंगा भाई मैंने तो अपने सारे प्रयास किए हैं, अब आप लोग मेरे साथ खड़े हो, एक हमारा पब्लिक के साथ मिलकर प्रयास करेंगे जी। थैंक यू सुलेख जी। सवाल जवाब राउंड में जूरी की कसौटी पर परखने के लिए दो उम्मीदवार अभी बाकी हैं, इन्हें भी परखेंगे, लेकिन फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापसी होगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद। दो उम्मीदवार अभी भी बाकी हैं सवाल जवाब राउंड के लिए, सुरेश कौशिक जी और विनोद सिंगला जी। पहले रुक करेंगे सुरेश कौशिक जी का। जो साहब, सुरेश जी से पहला सवाल करेंगे द्विवेदी सुरेंद्र जी। कौशिक जी, ये बताइए हरियाणा में गांव की पोजीशन कैसी है, और उसको आदर्श गाँव बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सुरेंद्र जी, हरियाणा में गाँव की पोजीशन अब भी वीक है, चाहे कोई सरकार कितने भी ढिंढोरे पिटे, अब भी हमने गांव में पूरा विकास कराया, लेकिन विकास अब भी अधूरे हैं। सबसे पहले तो गांव में पानी की निकासी की समस्या है। किसी भी गांव में चले जाओ, एक दो गलियां साफ मिलेंगी तो दूसरी गली में पानी खड़ा मिलेगा। अगर मेरे को जनता चुनती है तो मैं उसको दूर करने के लिए हर गाँव में उसके विकास की और नहीं उसके निकासी की मैं व्यवस्था करूँगा, भी सुनिश्चित कराऊंगा गांव के सहयोग से भी एक जगह पानी इकट्ठा हो और उससे वहां कहां निकासी खेतों में उसकी हो। और गांव में गलियां बन जाती हैं, लेकिन गलियों को गांव वाले भी कुछ उखाड़ लेते हैं कई बार, उसकी रिपेयर का कोई बजट नहीं होता गांव में,
ना कोई उसको दोबारा, या तो वो दोबारा बनेगी, रिपेयर कोई नहीं करता, एक बार उखड़गी तो उखड़गी, जो थोड़े बहुत टुकड़ा भी उखड़ा हुआ है तो वो ऐसा एज इट इज पड़ा रहेगा। एक आदर्श गांव किस गांव को मानते हो आप, क्या क्या होना चाहिए? आदर्श गांव में सड़कें साफ सुथरी होनी चाहिए, पानी की निकासी सही होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम उस गांव का बिल्कुल सही होना चाहिए, शिक्षा के केंद्र स्कूल सारी व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक आदर्श गांव में होनी चाहिए। आप क्या करेंगे? मैं सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराने के लिए अगर मुझे विधायक बनाती है तो मैं उसके लिए सारे प्रयास करूंगा और ये उपलब्ध कराऊंगा सारी व्यवस्था। जी सुरेश जी, और मैं दूसरे सवाल के लिए आग्रह करूंगा। जी जी, क्या अन्य राज्यों के तर्ज पे एक MLA फंड होता है, कई राज्यों में आजकल है, मिल रहा है उन्हें, क्या हरियाणा में भी होना चाहिए? आपका क्या विचार है इस पे? मेरा खुद का ये मानना कि हरियाणा में भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं, छोटी मोटी गांव की समस्याएं, आपके पास अगर सही फंड है, कोई सरकार ने दिया है, तो आप वहां दे के उस फंड को लगवा के उसको दूर करा सकते हैं। आपको देखने में नहीं मिलता कि MP फंड है, जैसे यहाँ भी है, तो बहुत सारे उसमें घपले होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में खर्च करते हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे? आपको लगता नहीं कि इसको, इसका भी मिसयूटिलाइजेशन होगा? मेरे को लगता है, मेरे को भी पता है मिसयूटिलाइजेशन इसका होता है, तो मालूम कैसे हल करेंगे? नहीं, इसके लिए तो पहले तो खुद का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, फिर आप ग्रांट देने के बाद उसको एक ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए, आपके पास ऐसा आदमी होना चाहिए या ऐसा अधिकारी होना चाहिए, आप उसकी पूरी जानकारी रखें कि ये सही जगह लगा कि नहीं, पूरा लगा कि नहीं लगा। लेकिन बिना फंड के विकास नहीं हो सकता? बिना फंड के भी हो सकता है विकास, तो फंड की जरूरत क्या है? नहीं, बिना फंड के कैसे विकास हो सकता है? हमारे गाँव में परंपरा है, गाँव में अगर आपको फंड नहीं मिलता तो आप गाँव में जाएँ और पूरे गांव में जाके एक समस्या पूछो पूरे गांव से भी, सबसे पहले इस गांव की क्या समस्या है, फिर उसके लिए पूरे गांव को इकट्ठा किया जाए, पूरे गांव से सहयोग लेके बहुत सी समस्याओं का गांव में फंड की जरूरत नहीं रही ना? तो नहीं, देखो पहले तो पूछा आपने, फंड होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ। होना चाहिए क्यों होना अगर चाहिए? ना, आपने बताया कि विकास के लिए। हाँ, विकास के लिए होना चाहिए। अगर फंड ना मिले, अगला भी तो सुनो ना, अगर फंड ना, क्या मेरे कहने से फंड मिल जाए? पंचायत में भी फंड है, ब्लॉक में भी फंड है, परिषद में भी फंड है, फिर फंड की तो MLA फंड की जरूरत कहाँ है? आपको अगर काम करवाना है, तीन जगह फंड काफी है। आप कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं, आपने कहा फंड की जरूरत होनी चाहिए विकास कार्यों के लिए, हमने कहा कि अगर नहीं हो तो भी विकास कार्य हो सकते हैं, तो जरूरत क्या रही? नहीं, फिर मैं तो बता रहा हूँ ना कैसे कैसे विकास कार्य हो सकते हैं, मेरा विजन है, मैं मानता हूँ इस तरह भी, जब इतना पैसा कोई भी सरकार नहीं देती, चाहे वो पंचायत हो, सारे कार्य करवाए जा सके, उसके लिए भी हर गांव में हर इस तरह का सिस्टम बनता है। ठीक है सुरेश जी, और मैं तीसरे सवाल के लिए विजयन जी।